आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं। महिला रिक्रूट सिपाहियों की पासिंग आउट परेड को संबोधित कर रहे हैं सीएम योगी। सुनिए, यहाँ पर लखनऊ में अपना दीक्षांत परेड यहाँ पर संपन्न किया है। उन सब ने अच्छा प्रशिक्षण यहाँ पर लिया है और वे अपने प्रशिक्षण के अनुरूप अपनी सेवाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर सुरक्षा का माहौल बनाने, खासतौर पर महिला सुरक्षा के सामने जो बार बार प्रश्न खड़ा हुआ करता था, आज मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला आरक्षित अधिकारियों के माध्यम से न केवल शहरी क्षेत्र में बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी बेहतर प्रदर्शन किया जा रहा है और देश के तमाम अभी डीजीस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी देश भर से आए हुए पुलिस महानिदेशकों ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल के इस अभिनव प्रयोग को भी बहुत नजदीक से देखने जानने का प्रयास किया है और मुझे विश्वास है कि आज प्रदेश भर में जो 15,428 रिक्रूट अपनी दीक्षांत परेड के माध्यम से अपने व्यवसायिक प्रशिक्षण लेने के लिए अभी अलग अलग जनपदों में जाएंगे, उसके बाद जब वे अपनी सेवाएं उत्तर प्रदेश पुलिस बल को देना प्रारंभ करेंगे तो अपने प्रशिक्षण के अनुरूप उस प्रकार का एक बेहतर परिणाम उत्तर प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर माहौल देने में अपना पूरा योगदान देंगे। इस विश्वास के साथ आज यहाँ पर और पूरे प्रदेश भर में दीक्षांत परेड के माध्यम से अपना प्रशिक्षण प्राप्त पूरा करने वाले सभी महिला रिक्रूट आरक्षियों को, प्रदेश भर के सभी रिक्रूट आरक्षियों को मैं इस अवसर पर एक बार फिर से प्रशिक्षण पूरा होने पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि फील्ड की अपनी ड्यूटी के दौरान अपने अनुशासन के माध्यम से, अपने कार्य व्यवहार के माध्यम से एक मित्र पुलिस की भूमिका के रूप में अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप वे लोग अपना बेहतर परिणाम देने में अपना योगदान देंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आज जो पुलिस की अवस्थापना सुविधा से जुड़े हुए विभिन्न भवनों के लोकार्पण कार्यक्रम में और लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के भवन के शिलान्यास के कार्यक्रम के अवसर पर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट को और उन सभी पुलिस के कार्मिकों को जिनके लिए आज अवस्थापना सुविधा से जुड़े हुए ये भवन आज लोकार्पित हो रहे हैं, उन सबको भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत ही शानदार उद्बोधन के लिए एक बार करतल ध्वनि से माननीय मुख्य अतिथि का अभिवादन। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। पुलिस के लिए कार्यालयों में बैठने की व्यवस्था पहले नहीं थी, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब हाईटेक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, पुलिस के लिए कार्यालयों में बैठने की व्यवस्था अब हो रही है, लगातार हम इस पर फोकस करें। हमारी सरकार ने पुलिस सिस्टम को सुधारा है, मजबूत किया है और ये वक्त की दरकार है। पुलिस की सुविधा के लिए 4.5 साल में बहुत बजट दिया गया, सीएम ने इस पर भी प्रकाश डाला। 2017 से पहले पुलिस का विकास भी रुका हुआ था जो कि अब हो रहा है, 5 सालों के दौरान भी विकास हुआ और आगे भी 2022 में सरकार बनेगी तो इस पर भी फोकस होगा और तमाम बातों का जिक्र भी उन्होंने किया। जो प्रशिक्षण ले चुकी महिलाएं हैं उनको भी उन्होंने शुभकामनाएं दी और कहा कि अपने कर्तव्य का निर्वहन आप करेंगे पूरी जिम्मेदारी के साथ, ऐसा भरोसा उन्होंने व्यक्त किया है। और 2017 से पहले किस तरीके से यहां पर विकास के तमाम कामों को अटकाया गया, तमाम कामों को लटकाया गया, इस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। हमारी सरकार ने पुलिसिया सिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। 4 साल में विकास के तमाम काम पुलिस के लिहाज से भी हुए हैं, जो विकास के काम पहले होने चाहिए थे 2017 से पहले ही, जिन कामों को पूरा हो जाना चाहिए था, जिन सुविधाओं पर फोकस पहले की सरकारों का होना चाहिए था, वो अब बीजेपी की सरकार लगातार कर रही है। 4 सालों के दौरान भी आपने देखा बहुत बजट दिया गया पुलिस सुविधा के लिए 4.5 सालों में और आगे भी इसी तरीके से फोकस रहेगा, क्योंकि विकास के आधार पर ही उन्होंने कहा कि हम 2017 में यूपी की गद्दी पर विराजमान हुए थे और एक बार फिर 2022 में भी
विकास ही प्रमुख एजेंडा है, हर वर्ग को साथ लेकर चल रहे हैं, हर वर्ग का ख्याल है। पुलिस महकमे के लिए भी तमाम हाईटेक सुविधाओं से लैस योजनाएं चल रही हैं, तमाम परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस सशक्त हो सकती है, मजबूत हो सकती है, आधुनिक सुविधाओं से लैस हो सकती है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया और अपने उसी पुराने अंदाज में पिछली सरकारों पर आक्रामक तरीके से हमलावर भी रहे योगी आदित्यनाथ। 2017 से पहले की जब भी वो बात करते हैं, जिक्र करते हैं 2017 से पहले की सरकारों का, तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी पर वो हमला भी बोलते हैं, बहुजन समाज पार्टी पर भी वो तमाम तंज कसते हैं। वो कहते हैं कि पहले जो पुलिसिया सिस्टम को सुधारा जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया, अनदेखी की गई, लेकिन अब योगी सरकार लगातार काम कर रही है।